गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे 1 मिनट की शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए 5 सेकेंड की कैंडल का कंफर्मेशन ले सकते हैं। एंड गाइस, ये तरीका मैं तब यूज करता था जब मैं एकदम बिगनर था मार्केट में, एंड मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था कि किस लेवल से रिवर्सल होगा या फिर किस लेवल पर ब्रेकआउट होकर रिट्रेसमेंट के बाद हमें कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करनी है या फिर रिवर्सल के लिए ट्रेड करनी है। सपोज़ यहाँ पर एक सपोर्ट है, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं टॉपिक समझा देता हूँ। टॉपिक हमारा क्या है कि कैसे हम 1 मिनट की कैंडल में शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड निकाल सकते हैं विद द कंफर्मेशन ऑफ 5 सेकेंड कैंडल। ओके, सपोज दिस इज अवर सपोर्ट लेवल। ओके, एंड इसके क्या कन्फर्मेशंस है कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पर एक बाइंग का कैंडल बनाएगा, इसके क्या कन्फर्मेशंस है। सपोज हमें क्या दिखता है कि मार्केट में, आपको ये देखो टॉपिक बहुत ही छोटा है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, वीडियो लंबी भी नहीं होगी, मैं बस सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा फिर हम वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, मार्केट इस तरह से ऊपर गया और अच्छा सा इंपल्सन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पर्टिकुलर लेवल पर स्टार्ट हुआ और मार्केट एग्जैक्ट इसके सपोर्ट के पास पहुंचा और यहां से यहां तक गिरा है। तो मान लेते हैं हमने क्या करा, हमने देखा गौर करके कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे बहुत अच्छा क्या हुआ, अप का पंप दिया, ऊपर साइड का पंप दिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल से एक अच्छा खासा पंप दिया है। ओके, करीबन यहाँ पे तो हमें क्या गौर करना है, इस पर्टिकुलर पोजीशन में आप क्या देख सकते हो, मार्केट ने बहुत अच्छा पंप दिया है। तो हम क्या रिकॉग्नाइज करेंगे कि मार्केट किस कंडीशन में, जब अगर हमने यहाँ पे एक लेवल डाल दिया और जब दोबारा सपोर्ट के पास आएगा तो या ऐसे क्या कंडीशन होंगे जहाँ पर मार्केट सपोर्ट को टच करके एक बाइंग कैंडल बनाएगा, इसके क्या कन्फर्मेशन होंगे। तो इसका सिंपल सा कन्फर्मेशन, आप सिंपल सा पहले बात तो क्या जानते हो कि सपोर्ट ड्रॉ करो, मार्केट आए तो बाई कर लो, बट समटाइम्स क्या होता है बाई करते हो और सेलिंग घुस जाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पकड़ेंगे कि हाँ हमें यहाँ पर बाई करना है या फिर ट्रेड को अवॉइड कर देना है। तो जैसे ये ट्रेड एक सक्सेसफुल है, सक्सेस हो चुका है इस ट्रेड का, तो अगर मैं आपको गौर से दिखाऊँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, ये टाइमिंग कौन सा है गौर कर देख लो पहले। ये टाइमिंग आपका करीबन जो है यहाँ पे, इस कैंडल अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो 16:38 की ये कैंडल है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 5 सेकेंड की कैंडल ओपन करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर 16:38 पे आई थिंक, ओके गौर करो मार्केट में यहाँ इस पोजीशन पे ये कैंडल देख सकते हो 38 है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, अगर हम 1 मिनट में जाते हैं और इस कैंडल को ही हमने रिकॉग्नाइज करा था ना, इस कैंडल को। ओके, एंड ये कैंडल कौन सी है, अगर हम इस कैंडल का गौर करेंगे 37 की कैंडल है, 37 और ये बनते बनते 38 हुई थी। मतलब टोटली आई थिंक ये 1 मिनट की कैंडल चल रही है, ये 37 की कैंडल है, ये 38 की कैंडल है। ठीक है, तो 38 की कैंडल में अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे 5 सेकेंड में जा करके, मैं ये कर देता हूँ, बहुत सिंपल रहेगा, इससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। अगर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ओके, इसमें आपको एंट्री थोड़ी सी लेट मिलेगी बट जो भी आपको ट्रेड मिलेंगे ना वो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट मिलेंगे। ओके, सो इसको मैं कवर कर देता हूँ, कवर हमने कर दिया इस कैंडल को पूरा का पूरा, हम जाएंगे 5 सेकेंड में। आप गौर करोगे इस पर्टिकुलर जोन पे जहाँ पर हमने कवर करा है, तो मार्केट यहाँ पर आकर के देख सकते हो नीचे, अगर मैं आपको गौर कर दिखाऊँ इस पोजीशन पर, देखो कितना 16:38 है, 0.5 इट मीन्स ये 5 सेकेंड की पहली कैंडल है। कभी भी अगर मार्केट में आपने सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रखा है और कैंडल उसके आसपास भी पहुंचने वाला है, अगर आपने सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है और आपने क्या प्लान कर रखा है कि मार्केट जब इस पोजीशन पर आएगा तो हम बाई की ट्रेड करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनने वाली होगी और नेक्स्ट कैंडल हम प्लान कर रहे हैं बाई के लिए, तो हम वेट करेंगे क्या कि मार्केट उस पर्टिकुलर पोजीशन पे रीसेंट कैंडल में या करेंट कैंडल में जिस पर हम ट्रेड करने वाले रहेंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन में कोई 5 सेकेंड की बाइंग में स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है कि नहीं। अगर मार्केट में बाइंग में स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी तो डेफिनेटली वो ट्रेड एक अच्छा रिजल्ट देगा। अगर कहाँ गया, सॉरी ये 5 मिनट का ओपन हो चुका है, मैं इसको ले जाता हूँ 5 सेकेंड पे। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट में इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहले ही कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की निकली है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की। तो मार्केट में जब स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल ऐसी तरह में दिख जाएगा, जैसे इसी कैंडल पे ये पहला 5 सेकंड का कैंडल है 38 का, और जैसे स्ट्रॉन्ग बायर अगर हमें एक दिख गया तो हम आपको भी पता है कि 1 मिनट के कैंडल पे हम 30 सेकंड तक ट्रेड कर सकते हैं। तो जब ये कैंडल नीचे आकर के हमें अपॉर्चुनिटी दोबारा देता है कॉल डायरेक्शन के लिए, तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखोगे जहाँ पर ट्रेड हमारा करीबन इस पोजीशन पे खत्म हुआ था, इस पोजीशन पे, और हमारा विन हो गया था। ठीक है, और देखो अब जैसे ये ट्रेड विन हो गया,
अब समझ गए कैसे विन करना था, कि मार्केट अगर सपोर्ट को टच करता है, एक या दो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आ गया, तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल मतलब उसी करंट कैंडल पे हमें कंटिन्यूएशन करना। अगर सपोज ये कैंडल इस लेवल को टच करके ऊपर क्लोज देती और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखता 5 सेकेंड में, रिसेंट कैंडल पे ही एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इसके पीछे ही दिख जाता। अगर हमें इसी पर्टिकुलर पोजिशन पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख जाता तो हम इस कैंडल पर आँख बंद करके ट्रेड कर सकते थे कॉल के, अगर हमें यहीं पर स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख जाता। बट हमने प्रेजेंट कैंडल में क्या रिकॉग्नाइज करा था, मार्केट ने नीचे टच करके रिजेक्शन लिया था, फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी जो ये डिफाइन करती कि मार्केट कंटिन्यू डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गए इस कैंडल को आइडेंटिफाई करा था। उसके नेक्स्ट कैंडल को भी आप देख सकते हो गौर से, क्या देख सकते हो कि जैसे ये रेड कैंडल बनने लगी, जब ये लेवल के पास आई थी, जब ये लेवल के पास आई थी, अगर इस कैंडल को भी ग्रीन बनना होता तो ये टच करके बाइंग देता। बट गौर करो, मार्केट ने जैसे ही रेड कैंडल बनाया उसने लेवल को ही तोड़ दिया। ठीक है, दोबारा फिर से लड़ा है, बायर अवेलेबल हुए बट लेवल के ऊपर नहीं जा पाया। कितना हो गया, 5, 5, 10। अगर आप गौर करोगे तो ये 5 सेकंड की कैंडल है, 5, 5, 10, 15, 20, 25। 25 सेकंड की कैंडल हमें क्या कंफर्म कराती है, लाइक एक कैंडल के 1 मिनट की कैंडल पे हम 30 सेकंड, लाइक 30 सेकंड तक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो 25 सेकंड की कैंडल हमें क्या कंफर्म, मतलब क्या लाइक इंडिकेशन करती है कि आप देखो यहाँ पर बायर्स अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है तो 1 मिनट की कैंडल कंटिन्यू कर जाएगी। तो इसी बेसिस पे ये हमारा शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। आई होप आपको पसंद आई होगी और नॉलेज आपको समझ आया होगा। और गाइस, मैं अपना VIP सेशन भी कंडक्ट करता हूँ, सो अगर आपको मेरे VIP ग्रुप में ज्वाइन होना है जहाँ पर मैं पर डे 5 से 10 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल कंडक्ट करता हूँ, तो अगर आपको मेरा VIP ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम $30 से $40 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स ID मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है, फिर मैं आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पर आपको पर डे शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे जिसका यूज करके आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो या फिर पार्ट टाइम इनकम को भी जनरेट कर सकते हो। और गाइस, बाइनरी में अगर आपको सक्सेस करना है तो आपको बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखनी ही पड़ेगी अच्छे तरीके से। तो अगर आपको बाइनरी ट्रेडिंग स्क्रैच से अंत तक सीखना है तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके भी प्रॉपर ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये स्ट्रैटेजी को यूज करो, कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट्स में पूछना, टेलीग्राम पर मैसेज करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो का भी पसंद लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस, दिस इज स्टेविल एंड आई एम साइनिंग आउट। ओके।